एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब अच्छे होंगे। मेरे चैनल पे आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। और गुड मॉर्निंग, कैसे हैं सब? बताना प्लीज़, कमेंट में बताना कि आप लोग क्या ने आप नाश्ते में क्या बनाया। तो आप देख सकते हैं, मैंने आज जो ब्रेड बची थी उसको मैंने यहाँ पे तवे पे थोड़ा सा घी लगा के सेंक लिया है। यही हम लोग का नाश्ता है, और इसके साथ में चाय और बिस्किट। बाद में लंच की मैं तैयारी करूँगी, लेकिन देख सकते हैं कि मैंने ब्रेड को अच्छे से दोनों पर अलट पलट करके अच्छे से सेंक लिया है। और इसको मैं बाकी अदर कुछ नहीं बनाने वाली हूँ, बस हम लोग इसको चाय के साथ खाने वाले हैं। तो अब साथ साथ मैंने यहाँ पे दलिया बॉईल करने के लिए रख दिया है कुकर में। तो आप देख सकते हैं बगल में कुकर में दलिया भी बॉईल हो रहा है, और इधर मैं ब्रेड को अच्छे से सेंक रही हूँ। तो लगभग ये सीख गया है, मैं इसको पलटते जा रही हूँ। नाश्ते में आज ज़्यादा कुछ बनाने का मन नहीं था, तो यही सोचा कि कल का जो ब्रेड बचा है उसी को अच्छे से सेक के इसको खा लेते हैं। तो अब ये मेरा ब्रेड सेक गया है, और इसके साथ ये बिस्किट है। प्लीज़ आप कंपनी को माइंड करिएगा, मैं यहाँ प्रमोशन नहीं कर रही हूँ। यही वाला बिस्किट था, यही कंपनी का। तो हम लोग इसको बस अब खाने वाले हैं। तो हम लोग का नाश्ता रेडी है, मैं इसको प्लेट में एक एक करके निकाल रही हूँ। तो आप लोग भी बनाइएगा और खाइएगा। आप देख सकते हैं मेरा ब्रेड तैयार हो गया है। तो जो एक छोटा सा बचा था उसको भी मैंने रख दिया। तो यही है हम लोग का नाश्ता, देख सकते हैं। इसको हम लोग सॉस के साथ खाने वाले हैं, और ये हमारी चाय। फ्रिल्स फ्रेंड, चाय को माइंड मत करिएगा, हम लोग ऐसी चाय पीते हैं। हम लोग थोड़ी पतली सी दूध, कम दूध वाली चाय पीते हैं। कई लोग मुझसे बोल रहे थे, मैंने एक बार बताया था तो, कि आप लोग ऐसी चाय क्यों पीते हो। तो यही हम लोग का चाय है फ्रेंड्स। गुड मॉर्निंग, मैं आप इसे कप का सैम्बल दिखा रही थी आप लोग को कैसा है। तो इसके बाद में मैं आ जाती हूँ किचन में। सॉरी, ये रात का क्लिप है, और मैं अभी डिनर की तैयारी कर रही हूँ। मैंने आपको लंच रूटीन शेयर नहीं किया है, तो ये नाइट का रूटीन है। तो आप देखिए, मैं यहाँ पे सोयाबीन की बड़ी की सब्ज़ी बना रही हूँ। और सोयाबीन बड़ी सब लोग को बहुत ही ज़्यादा पसंद होती है, क्योंकि इससे बहुत सारे डिशेज बनते हैं, सोया मंचूरियन और बहुत कुछ बनाया जाता है। लेकिन मैं यहाँ पे सिंपल सी सब्ज़ी बनाने वाली हूँ, आलू ऐड करके। तो आप देख सकते हैं, मैंने इसको पानी में थोड़ा सा बॉयल करने के लिए रख दिया है। देन उसके बाद मेरे चावल जो पक गए हैं उनको मैं इससे पानी निकाल लेती हूँ। हम लोग इसी वाले बर्तन में पानी मतलब चावल बनाते हैं। आप लोग बताइएगा कि किन किन को ऐसी बनाना अच्छा लगता है। हम लोग कुकर वाली चावल नहीं खाते हैं, खाते नहीं हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि कभी नहीं खाते, कभी कभी बना लेते हैं। तो ये वाली ज़्यादा, ये ऐसी चावल ज़्यादा बनाते हैं, ऐसा टेस्ट इसमें टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो आप देख सकते हैं मेरा चावल हो गया है, और साथ साथ ये बॉयल हो गया है। देन उसके बाद में इसको, जब ये अच्छे से बॉयल हो गया तो मैंने इसको निकाल लिया। तो फिर इसको ठंडे पानी में अच्छे से डुबा के निचोड़ के रख लेना है। और इसके बाद में मैं इसमें बैंगन भी ऐड करने वाली हूँ। तो मैं इसमें बैंगन को भी छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया। मैंने एक मिर्ची और एक जो प्याज आप देख रहे हैं उसमें से मैं आधा ही इसमें यूज़ करने वाली हूँ, क्योंकि मुझे उसका प्यूरी मसाला नहीं बनाना है, बस ऐसे ही काट के डाल देना है। तो इसके बाद में कढ़ाई में तेल गरम करके जीरा, थोड़ा सा जीरा डाल के, जीरा जब चटक जाए तो उसमें प्याज और हरी मिर्च डाल के इसको अच्छे से भूनना है। जब ये अच्छे से भून जाए तो इसमें आलू ऐड कर देना है। आलू को, सॉरी मैंने आपको बताना भूल गई थी, मैंने आलू को भी साथ साथ इसमें छीला था। और इसको अच्छे से कर देंगे। फिर उसके बाद में जो बैंगन हमने काटे थे उनको भी इसमें ऐड कर दूंगी। अब आप चाहें तो उसको बाद में भी डाल सकते हैं, क्योंकि कई लोगों को खड़े खड़े बैंगन पसंद होते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे इसको एक ही साथ डाल देती हूँ, क्योंकि अच्छे से गल जाते हैं तो टेस्ट इसका और अच्छे से उभर के आता है। तो इसको अच्छे से, जब तक ये अच्छे से भून ना जाए तब तक इसको अच्छे से भूनेंगे, और इसको धीमी आंच में भूनना है, नहीं तो जल सकते हैं आलू। और आप चाहें तो आलू को बॉईल करके भी डाल सकते हैं, पर ऐसी में ये पक जाता है तो उतना मैंने नहीं किया। तो आप देख सकते हैं अच्छे से ये पक गया है।
जब ये अच्छे से भुन जाए आलू, तो उसके बाद जो हमने सोयाबीन की बड़ी जो बॉईल किए थे उसको इसमें अच्छे से धो के निचोड़ के डालना है। तो उसका सारा पानी निकाल के फिर इसको अच्छे से चलाते जाएंगे। फिर इसमें जो सूखे मसाले हैं वो मैं ऐड कर दूंगी। इसमें नमक, हल्दी पाउडर और मसाला वो ऐड करके इसको अच्छे से चलाएंगे। फिर उसका कलर और देखना टेस्ट भी अच्छे से आ जाएगा। ये देखिए आप, मैंने इसमें एक ही टमाटर यूज़ किया है, मैं आपको बताना भूल गई, सॉरी, मैंने इसमें टमाटर ऐड नहीं किया है। ये ऐसी मसाले वाली सब्ज़ी बना रही हूँ मैं। साथ साथ में जो किचन के बाकी बर्तन हैं जो उसको अच्छे से वॉश करते कर लेती हूँ ताकि बाकी का काम ना बढ़े। तो मेरा ऐसा ही है, मैं काम करते करते सारे बर्तन भी वॉश करते जाती हूँ। तो आप देख सकते हैं, और ये जो एरिया आप देख रहे हैं यहाँ पे थोड़ा पानी भर जाता है, तो मतलब बर्तन धोते हैं उसका नीचे गिरता है, तो प्लीज़ आप उसको माइंड करिएगा। और ये इसके साथ में मतलब सब बर्तन को अच्छे से धोने के बाद ये जो एरिया है उसको मैं भी थोड़ा वाइपर से वाइप कर दूंगी तो ये क्लीन हो जाएगा। नहीं तो कई लोग बोलने लगेंगी कि कैसे है, कैसे गंदा है किचन करके। तो देख सकते हैं आप, इसको मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया है, फिर हैंड वॉश भी कर लिया है। और मैं सब्ज़ी को बीच बीच में चेक करते रहती हूँ ताकि वो जल ना जाए। वैसे मैंने पानी बहुत सारा डाला था तो जलेगा नहीं, लेकिन तली में कभी कभी लग जाता है। तो ये मेरी सब्ज़ी अब पक गई है लगभग। अब इसको इसमें हरा धनिया कटा हुआ, बारीक बारीक कटा हुआ डाल के इसको अच्छे से गार्निश कर लेंगे। और अच्छे से गार्निश करने के बाद में इसको सर्व करेंगे। तो देख सकते हैं मैं यहाँ पे ऐसी चॉप करके, चाकू से ही चॉप करके इसमें डाल रही हूँ। तो लो जी, हमारी सब्ज़ी तैयार है। यही मेरा नाइट का रूटीन था हम लोग के डिनर का। आप लोग कमेंट करके बताना कि आप लोग सोयाबीन की बड़ी और कैसे कैसे बनाते हो, सबकी अलग अलग रेसिपीज़ होती है। तो आप लोग को ये कैसा लगा मेरा व्लॉग वो भी बताइएगा। और आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर देना और बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा ताकि मेरी नई नई अच्छी अच्छी वीडियो आप तक पहुँच सकें। तो यही था मेरा आज का वीडियो। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। देखने के लिए थैंक यू, बाय बाय।